गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ते हैं सर्कुलर मोशन, क्योंकि है तो रेस्ट एंड मोशन के अंदर में ही आता है, ठीक ना, अंदर में ही दे रखा है। ऐसे इसको देखिएगा तो अलग एक एक्सरसाइज बनता है इससे, ठीक ना, सर्कुलर मोशन का एक एक्सरसाइज ही है, लेकिन हम इसी के अंदर में पढ़ा दे रहे हैं, ठीक ना। चले ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन जिसे हिंदी में कहेंगे बाबू वृत्तीय गति, वृत्तीय गति, ठीक ना, वृत्तीय गति। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सर्कुलर मोशन हम कहेंगे किसे, मीन्स हिंदी में कहें तो वृत्तीय गति क्या होता है, ठीक ना बाबू। तो आपने जनरली ऐसे, ठीक ना, जनरली ऐसे देखने को मिलता है बच्चे कि बहुत ऐसा पार्टिकल जो होता है वह सर्कुलर पाथ पर मूव करता है, समझ रहे ना, ठीक ना। तो यदि कोई पार्टिकल जो होता है बच्चे, अगर वह सर्कुलर पाथ पर मूव करता है, सर्कुलर पाथ पर, ठीक ना, वह चलता है या कह सकते हो कर्व वाला पाथ पर चल रहे बच्चे, तो उसी को कहा जाता है सर्कुलर मोशन कहा जाता है, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन में पार्टिकल का जो चाल होता है बच्चे या वेग जो होता है ना, वह नियत रहता है, मीन्स कांस्टेंट होता है बाबू, नियत होता है, बट उसका डायरेक्शन जो होता है ना बच्चे वह चेंज होता है, यानी पॉइंट टू पॉइंट चेंज होता है। अगर डायरेक्शन चेंज नहीं होगा तो फिर वह सर्कुलर पाथ में मोशन नहीं कर पाएगा, ठीक ना बाबू। जैसे सपोज करो, ये हो गया बच्चे, अब इसी पाथ पर सेंटर हो गया बच्चे, पी कोई पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है, तो इसका वेलोसिटी जो है बच्चे या चाल जो है कांस्टेंट है, बट इसका जो डायरेक्शन जो होता है बच्चे वह पॉइंट टू पॉइंट चेंज होता रहता है, चेंज होते जाएगा, ठीक ना बाबू। तो इस टाइप का जो मोशन होता है बाबू, उसी को कहा जाता है सर्कुलर मोशन कहा जाता है, मीन्स वृत्तीय गति कहेंगे, ठीक ना बाबू। फिर से एक बार सुन लीजिए, यदि कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर, ठीक ना बाबू, सर्कुलर पाथ पर यदि मूव करता है बाबू, तो उस पार्टिकल को कहा जाता है बच्चे, मैंने उस वह जो होता है उस पार्टिकल का सर्कुलर मोशन कहलाता है। और सर्कुलर मोशन में पार्टिकल का जो चाल होता है बच्चे, ठीक ना बाबू, वह कांस्टेंट होता है, बट उसका डायरेक्शन जो होता है ना बाबू वह पॉइंट टू पॉइंट चेंज होते रहता है, ठीक ना बाबू। तो इसी को कहा जाता है सर्कुलर मोशन कहा जाता है। तो बच्चे इससे पहले हम लोग पढ़े थे लीनियर, लीनियर मोशन पढ़े थे, तो लीनियर मोशन में जो पार्टिकल था बच्चे सीधा स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा था बाबू, अरे बच्चे स्ट्रेट पाथ में चल रहा है या फिर स्ट्रेट पाथ में आ रहा है, ठीक बाबू। तो इस टाइप का जो मोशन होता है उसको लीनियर मोशन के श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े बच्चे मोशन अंडर ग्रेविटी, यानी कोई पार्टिकल जो है बच्चे वह अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, इन द सेंस की वर्टिकली मोशन करता है, ठीक ना बाबू। वर्टिकली जो होगा वह अपवर्ड डायरेक्शन में हो सकता है या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो सकता है, तो इसे ए भी मोशन होता है, लेकिन ठीक ना मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर होता है। और एक टाइप का मोशन ए भी है बच्चे जो कि सर्कुलर मोशन कहलाता है, जो कि कोई पार्टिकल जो है सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा। जैसे अगर एग्जांपल लेंगे तो कोई शाफ्ट ले लो, शाफ्ट जो हो गया ऐसे ऐसे घूमता है, मीन्स रोटेशनल मोशन हो गया, किसी एक्सिस के अबाउट में कोई पार्टिकल मूव करेगा बाबू, ठीक ना, किसी सेंटर के अबाउट मूव करेगा। जैसे यहाँ कोई पार्टिकल मूव करेगा तो सेंटर के अबाउट करेगा, कोई एक्सिस के अबाउट मूव करता है, समझ पा रहे बाबू, ये एक्सिस हो गया, एक्सिस के अबाउट कोई यहाँ पार्टिकल है और ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ठीक ना बाबू। तो इस टाइप के
जो मोशन होता है सर्कुलर मोशन ही कहलाता है बच्चे। आइए इसमें देखते हैं कि और कि मान लो बच्चे सेंटर है ई पी पार्ट की है, ठीक ना, दो तीन पॉइंट आएगा इसमें, ठीक है, जो देखते हैं पी। कुछ समय के बाद यह पार्टिकल पहुंच गया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ मूव करते हैं, पहुंच गया यहाँ पर, यानी पी डैश कर दिया। चलो ये ठीक टर्म ना, ठीक ना बाबू। तो यदि कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर जितना एंगल कोवर करता है बच्चे, सच पर बाबू, जितना एंगल कोवर करता है, जितना एंगल वह तय करता है बच्चे, उसी को कहा जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, यानी कोणीय विस्थापन कहा जाता है। ठीक है बाबू, यहाँ लिखते बच्चे कोणीय कोणीय विस्थापन, यानी इसे कहेंगे बाबू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, ठीक ना बाबू, कोणीय विस्थापन कहेंगे, ठीक ना बाबू। यानी कोई पार्टिकल जितना एंगल, ठीक ना बाबू, जितना एंगल कोवर करेगा बच्चे, ठीक ना, मान लो ठिट्टा एंगल कोवर किया, मीन्स पी पार्ट के लिए यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, तो इतना ही ना इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ बाबू, इतना ही डिस्प्लेस हुआ, यानी पार्ट के पहले यहाँ था, अब पहुँच गया यहाँ पर, तो इतना ही दूरी क्या हुआ बच्चे, विस्थापित हुआ, जिसको कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक बाबू, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को ना ठिट्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठिट्टा से सूचित किया जाता है। ठीक बाबू, अच्छा एक चीज़ और हम बताते हैं, पहले हम यहाँ थोड़ा सा एग्जाम्पल लेना चाहते बच्चे, लीनियर मोशन, लीनियर मोशन के केस में जो डिस्टेंस था, मीन्स जो दूरी था बाबू, उसको हम रिप्रेजेंट किए एस से, अरे सुने, और उसके बाद अगर इनिशियल वेलोसिटी की बात करें, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी की बात करें, यानी प्रारंभिक वेग की बात करें, तो इसको यू से रिप्रेजेंट करते थे, ठीक ना, और फाइनल वेलोसिटी की बात करें बच्चे, फाइनल वेलोसिटी की बात करें तो भी से रिप्रेजेंट, यह नोटेशन है बच्चे जिससे हम लीनियर मोशन के कुछ टर्म्स है जिसे हम रिप्रेजेंट करते थे उसको, ठीक है। अब यहाँ दूरी की बात कर रहे बच्चे लीनियर केस में, तो दूरी जो होगा वह एस से रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन सर्कुलर मोशन में जो दूरी होता है ना बच्चे, कोई पार्टिकल कितना दूरी तय किया है, अरे उस समय आखिर इसे हम फाइंड आउट करेंगे ना बाबू, कि मान लो कोई पार्टिकल है वह सर्कुलर मोशन में, ठीक ना, सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक ना, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो हम जानना चाहेंगे ना कि टी टाइम के बाद वह पार्टिकल कितना दूरी तय किया है, अरे उस समय। तो यहाँ सर्कुलर मोशन के केस में दूरी जो होगा बाबू वह एस से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे बच्चे, यहां जो सर्कुलर मोशन के केस में जो होगा बाबू एस से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, तो यहां रिप्रेजेंट किससे करेंगे बाबू, थीटा से करते हैं बाबू, यानी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में, सॉरी सर्कुलर पाथ में कितना दूरी तय किया है या कितना दूरी मूव किया है, ठीक है बाबू, इसको हम फाइंड आउट करते हैं बच्चे थीटा के रूप में, यानी थीटा दैट इज एंगल, एंगल बताता है बच्चे कि कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में कितना दूरी कवर किया है। सपोज करो बच्चे पी पार्टिकल यहाँ था, कुछ समय के बाद मान लो कि टी टाइम बाद यहाँ पहुँच गया, हो सकता है खुद फिर यहाँ से फिर चला बच्चे, फिर टी टाइम के बाद यहाँ पहुँच गया, तो मान लो ये डी टिटा कर देते हैं, चलो पी वन कर दे, पी वन डैश कर दे, ठीक है, लेकिन यहाँ से पार्ट कर कितना मूव किया बच्चे, तो देखो तो टिटा प्लस डी टिटा होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक अगर देखो बाबू, तो यहाँ से यहाँ तक तो टिटा बच्चे प्लस में यहाँ से ई वाला जो दूरी जाएगा बाबू, यह डी टिटा होगा, मीन्स पार्टिकल अब
इस जो पार्टिकल बच्चे यह पार्टिकल कितना दूरी तय किया, यहाँ आप देख रहे हो पार्टिकल यहाँ से चला है और यहाँ देखो पी वन डैश तक पहुँच गया, तो यह कितना दूरी तय किया। तो जितना एंगल बड़ा होगा बाबू, जितना एंगल बढ़ेगा पार्टिकल उतना ही दूरी तय करेगा। एंगल छोटा होगा, एंगल घटेगा बाबू, तो पार्टिकल जो डिस्टेंस कवर करेगा बच्चे वो भी तो कम ही होगा ना बाबू। आ रहा है ना समझ, क्लियर हो रहा है ना? ठीक है, तो यहाँ जो है बच्चे सर्कुलर पाथ में या सर्कुलर मोशन के केस में कोई पार्टिकल कितना दूरी तय किया है, ठीक ना बाबू, इस दूरी को ये एंगल से रिप्रेजेंट करते हैं या एंगल बताता है। एंगल बढ़ेगा बाबू पार्टिकल के द्वारा तय किया गया दूरी बढ़ेगा, एंगल घटेगा बच्चे तो पार्टिकल के द्वारा तय किया गया जो दूरी होगा बाबू वो भी क्या होगा बाबू, घटेगा। अरे वो समय सो यहाँ जो थीटा जो होगा बच्चे सर्कुलर मोशन के केस में वह दूरी का काम करेगा बाबू, जबकि लीनियर मोशन में हम लीनियर मोशन के केस में देखे थे जो दूरी था बच्चे, ठीक ना, वह एस से रिप्रेजेंट करते थे और एस जो था बाबू लीनियर मोशन के केस में दूरी का काम करता था, लेकिन यहाँ सर्कुलर मोशन के केस में थीटा जो होगा ना बाबू वह दूरी का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ देखो बच्चे कोणीय विस्थापन यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी पार्टिकल कितना विस्थापित हुआ, पार्टिकल कितना दूरी कवर किया है सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर पाथ में यानी सर्कुलर मोशन के केस में सर्कुलर पाथ में पार्टिकल कितना दूरी तय किया, कितना दूरी तय किया इन द सेंस पार्टिकल कितना विस्थापित हुआ, तो एंगल ही बताएगा ना बाबू। एंगल बढ़ेगा पार्टिकल ज़्यादा विस्थापित होगा, एंगल छोटा होगा पार्टिकल कम विस्थापित होगा। ठीक ना, तो यहाँ देखो बच्चे कोणीय विस्थापन का डिपेंड करते हैं डिफाइन करते हैं बाबू कि कोई पार्टिकल है, ठीक ना बाबू, जितना एंगल कोवर करते हैं बच्चे वही कहलाता है बाबू, ठीक ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कोणीय विस्थापन कहलाता है। ठीक है, अब इसका मात्रक क्या होगा, मीन्स यूनिट क्या होगा कोणीय विस्थापन का, कोणीय विस्थापन का जो मात्रक होता है बच्चे वह रेडियन होता है बच्चे, ठीक ना, आपको बताया था ना बच्चे कोण का जो मात्रक होता है वह रेडियन होता है बच्चे, रेडियन होता है आपको पता होगा, ठीक ना बाबू। अच्छा, यदि हम आपसे पूछें कि एक रेडियन कितना होता है, एक रेडियन किसको कहोगे, ठीक है ना, आइए जरा थोड़ा सा देख लेते हैं, ऐसे मैथमेटिक्स वाला है लेकिन देख लेते हैं थोड़ा सा, मुझे लगता है आप लोगों को बताए हैं एक रेडियन, हाँ मैथ में बताए हैं, अच्छा आईटीआई पॉलिटेक्निक वाला बैच चल रहा है ना उसमें बताए हैं, चलिए ठीक है देखते इसको हटाते पहले। एक रेडियन जो है ना बाबू त्रिज्या के बराबर चाप की लंबाई से जो कोण बनता है ना बाबू उसी को कहा जाता है एक रेडियन कहा जाता है। फिर से एक बार सुन लो, त्रिज्या के बराबर मान लो ओ हो गया, ए हो गया, मान लो त्रिज्या आर है, त्रिज्या के बराबर चाप की लंबाई, यही ना चाप की लंबाई होता है बच्चे, यानी ओ ए की दूरी जितना है बच्चे उतना ही दूरी यहाँ से इस चाप में, देखो ये परिधि हुआ ना बच्चे इसी को चाप कर रहा है, ठीक ना, त्रिज्या के बराबर चाप की लंबाई से बना हुआ जो कोण होता है बच्चे जो ठिट्टा होता है वही कहलाता है एक रेडियन कहलाता है। अरे उस समय यानी ई आर है बच्चे तो ये भी आर होना चाहिए एक रेडियन के लिए, ठीक ना बाबू, ऐसा ना, ठीक ना बाबू, तो एक रेडियन, अच्छा एक रेडियन का मान देखते हैं जरा, ठीक ना, अब मान लो कि यहाँ कोई पार्टिकल है एक रोटेशन इस सर्कुलर पाथ में मूव कर लिया यानी एक चक्कर लगा लिया, तो यहाँ सेंटर पर 360 डिग्री का कोण बनाएगा, है ना बाबू, 360 डिग्री कोण बनाएगा, तो सेंटर पर 360 डिग्री कोण बनाएगा तो आप कितना दूरी कवर करेगा बच्चे,
इसके परिधि के बराबर कोवर करेगा, मीन्स 2πr के बराबर, अरे समय ठीक ना। यानी अगर 2πr दूरी तय करता है कोई पार्टिकल, यानी एक चक्कर लगाता है बच्चे, तो वह सेंटर पर कितना कोण बनाएगा बाबू, 360 डिग्री का, ठीक ना बाबू। और यदि इकाई दूरी तय करेगा बाबू, ठीक है बच्चे, तो कितना कोण बनाएगा बच्चे, 360 बटे में 2πr। मान लो बच्चे 2πr दूरी तय किया यहां से यहां तक, तो केंद्र पर बना बाबू 360 डिग्री। और यदि इकाई दूरी तय करेगा बाबू, तो केंद्र पर बनेगा बाबू 360 डिग्री बटा 2πr बनाएगा। और यदि अब एक रेडियन के लिए कितना दूरी तय करना पड़ेगा, त्रिज्या के बराबर, तो त्रिज्या के बराबर कितना है बच्चे, r, तो r दूरी तय करेगा बाबू कोई पार्ट की, तो कितना डिग्री कोण बनेगा, 2πr इंटू में r, r r कैंसिल हो गया बच्चे, ठीक ना, ये 2 से कैंसिल कर दो 180। अब ये एक रेड, अब r दूरी तय करने, ठीक ना बाबू, r त्रिज्या के बराबर 4 की लंबाई से बना कोण थीटा का रेडियन कहलाता है, देन ई हो जाएगा बच्चे 1 रेडियन हो जाएगा, बराबर में 180 बटा पाई डिग्री हो गया। अब यहाँ देखो सी दिए है, सर्कुलर मेजरमेंट होता है, ठीक ना, तो 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री बटा पाई होता है, ठीक ना, आप इसको लिख सकते हो 1 रेडियन बराबर 180 बटा पाई डिग्री होता है, ठीक ना। अब यहाँ पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, और पाई किधर भेजो तो, ठीक ना बाबू। चलिए तो हम बात कर रहे थे कोण का, तो एक रेडियन यानी कोण को जो मापा जाता है बच्चे, रेडियन मापा जाता है, और एक रेडियन बराबर होता है बच्चे 180 बटा पाई डिग्री होता है, पूरा डिग्री आ जाएगा, ठीक ना बाबू। चलिए इरेज करते इसको, तो यहाँ देखो बाबू, हम यहाँ कोणीय विस्थापन देखें, तो कोणीय विस्थापन जो होता है बाबू, ठीक ना, बताएं इसका, और इसका मात्रक जो होता है रेडियन होता है, और कोणीय विस्थापन दैट इज एंगल जो होता है ना, वह कोणीय विस्थापन यानी दूरी का काम करता है, कोई पार्ट के सर्कुलर पाथ में कितना दूरी कवर किया है, राइट ना बच्चे। चलिए अब आ जाते हैं बच्चे कोणीय वेग, कोणीय वेग जिसको हम लोग कहेंगे बाबू एंगुलर वेलोसिटी, ठीक ना बाबू, एंगुलर वेलोसिटी यानी कोणीय वेग, ठीक बाबू। बच्चे लीनियर फॉर्म में हम देखे थे, ठीक ना, लीनियर मोशन वाला देखते हैं जरा एक बार, फिर यहाँ बताते हैं। लीनियर मोशन में देखे थे कि यदि कोई पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज करते बच्चे टाइम के रिस्पेक्ट में इनडिफिनिट डायरेक्शन निश्चित दिशा में, तब उसे कहा जाता है बच्चे वेलोसिटी यानी वेग कहा जाता है, ठीक ना बाबू, तब उसे कहा जाता है वेग कहा जाता है, यानी पार्टिकल अपना पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करता है, पोजीशन चेंज करता है बच्चे, ध्यान रखना बच्चे। यहाँ भी कुछ ऐसे ही होगा, अगर कोई पार्टिकल टाइम के रिस्पेक्ट में एंगल चेंज करेगा बाबू, वहाँ पोजीशन लीनियर फॉर्म था ना बाबू, इसलिए हम कहते हैं चलो पोजीशन चेंज कर रहा है, क्योंकि पार्टिकल जो पोजीशन चेंज करेगा तो वह स्ट्रेट पाथ में फॉलो करेगा बाबू, लेकिन यहां जो है पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज करेगा, मीन्स
सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। अब अपना पोजीशन चेंज करना, इन द सेंस क्या हो बच्चे, एंगल चेंज करना। अब पार्टिकल एंगल चेंज करेगा तभी ना उसका पोजीशन चेंज होगा बाबू, और सर्कुलर पाथ में होगा बच्चे। तो यहां हम कहेंगे बाबू कोणीय वेग जो होता है ना बच्चे, उसमें होता है कि कोई पार्टिकल जो होता है टाइम के रिस्पेक्ट में अपना एंगल चेंज करता है बाबू, सत्वर्ण बाबू, उसी को कहा जाता है कोणीय वेग कहा जाता है। ठीक ना बाबू, यानी कोणीय वेग यानी एंगुलर वेलोसिटी, यानी इसको कहेंगे बच्चे चेंज इन, या लिख देते हैं चेंज इन एंगल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और समय। ठीक ना, यानी एंगुलर वेलोसिटी बराबर होता है बच्चे चेंज इन एंगल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में यदि कोई पार्टिकल अपना पूजी अपना एंगल चेंज करता है बाबू, उसी को कहेंगे एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे। ठीक ना, तो यह एंगुलर वेलोसिटी का या फॉर्मूला हो गया बच्चे। ठीक ना, अब चेंज इन एंगल इसको आप लिख सकते हो डी थीटा टू द डी टी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाता है, इसी को लिख सकते हैं थीटा बाय टी कह सकते हैं। अब चेंज इन एंगल, एंगल चेंज करके थीटा ही मिलेगा अरे उस समय। ठीक है, चेंज इन एंगल या कह सकते हो थीटा मीन्स क्या, कोणीय विस्थापन अरे उस समय, इसको हम लिख सकते हैं बच्चे कोणीय विस्थापन टू द समय हो सकता है। ठीक ना, ये सब का सब हो जाएगा बच्चे एंगुलर वेलोसिटी बराबर। ठीक ना बाबू, अब इसकी मात्रा की बात करो बाबू, यूनिट की बात करते हैं, यूनिट की बात करें। ठीक है, यानी कोणीय वेग का यूनिट, और कोणीय वेग कोणीय विस्थापन का होता है बच्चे रेडियन होता है, अरे बाबू कोण कोणीय विस्थापन मतलब क्या, कोण ही मिलेगा ना बाबू, और कोण का होता है बच्चे रेडियन होता है, और टाइम का ठीक ना सेकेंड हो जाएगा, यानी रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा बच्चे इसका मात्रक। ठीक ना बाबू, तो आ गया समझ में आपको। ठीक है, समझ में आ ही गया होगा, ऐसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक ना, तो एंगुलर वेलोसिटी जो होता है यदि कोई पार्टिकल टाइम के रिस्पेक्ट में एंगल चेंज करता है बच्चे, तो उसी को कहेंगे एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे। ठीक ना बाबू, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसको।